आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज के किसी खास खबर पर। देवगढ़ जिला के बैंदा धाम प्रेस क्लब की ओर से मोहनपुर प्रखंड के बांक पंचायत के मुखिया रेखा कुमारी को कोरोना महामारी में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेस क्लब के सचिव रंजीत झा, संगठन सचिव अंजनी कुमार सिन्हा एवं अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर मुखिया रेखा कुमारी ने बताया कि कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए मुझे यह सम्मान मिला है, इसके लिए मैं बैजनाथ धाम प्रेस क्लब का आभारी रहूंगी। देवगढ़ से पप्पू यादव की रिपोर्ट। बांक पंचायत घोरमरा में मुखिया प्रतिनिधि भवेंद्र मंडल सह समाजसेवी, जब से मेरा ये कोरोना का शिकार हुआ है हमारे देश में, तब से ही अपने पंचायत का पूरा भ्रमण करते हुए हर गरीब मजदूर परिवार को राशन पंचायत की मुखिया रेखा कुमारी के द्वारा हर घर जा जाकर पहुंचाए। और अभी तक मैं कोरोना जब है तब तक घर घर जाकर राशन देने का काम कर रहा हूं। राशन में आटा, चावल, आलू प्लस कुछ ऐसा परिवार हैं जो कि मैं नगद देके उस परिवार को देख रहा हूं। और जब तक एक कोरोना का शिकार कोरोना महामारी हमारे यहां रहेगा तब तक हर गरीब मजदूर परिवार को, जब से कोरोना हुआ है लॉकडाउन में, अनाज चावल दाल वितरण करती हूँ। नाम रेखा कुमारी। देवगढ़ जिला के मार्गो मुंडा थाना अंतर्गत फागो गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में करीब 3 महिला समेत 7 लोगों के घायल हो जाने का मामला सामने आया है। खेत में मेड़ कटाई को लेकर एक पक्ष रिंकू पंडित, मुन्ना पंडित, छोटू पंडित समेत उषा देवी, सरिता देवी और दूसरे पक्ष से मालती देवी, लक्ष्मण पंडित एवं उसके पुत्र के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें सभी लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। वहीं घायल एक महिला को देवगढ़ अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। देवगढ़ से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। झगड़ा को अपने खलियार का झगड़ा है सर, संजन त्यार हम बोले उसका खेत नीचे हमारा खेत ऊपर है सर। हम उसका बार बार समझाते हैं कि बाबू तुम यार मत काटो, यार काटेगा तो मेरी मिट्टी तुम्हारे खेत में चल जाएगा। नाम का नाम उसका लक्ष्मण पंडित नाम है, मेरा नाम मुन्ना पंडित है सर। समझे न, तो हम बोल रहे हैं कि मत जा रहे काट बाबू, हमारा मटिया तोड़ के तुम चल जाते। इतने समझाने गए मार दिया एकदम डंटा से, यहाँ सर गिर गया और गिरने के बाद मार दिया कुल्हाड़ी से मथे पर। हम लोग क्या आदमी घायल हुआ आपको? हम लोग के 4 आदमी घायल हैं सर, अभी 2 को खेत में पड़ा ला ला पाए हम, अपना माँ को खाली लाए हैं सर यहाँ, अभी 2 आदमी नीचे हुए हैं हम लोग खेत में सर। माँ को रेफर दूसरे एरिया काटे हैं तो हम करके काहे काटे हैं, पैसा तो नहीं रहेंगे कह रहे हैं, तब उसका कहना जे काटबे करब जे करना कर बस हो गए। बस वाले बाबू हम अकेले अल मारपीट वाला हम जा रास्ता सुन लिए तो दौड़े गए तो हम तो लाठ मार के खाली हाथ में अलिए, जैसे कुदारी अल डंटा अलू सब तैयारी साथ में अलू सब के मारा कौन मारा? पंडित के बेटा रिंकू पंडित, पिंटू पंडित, मुन्ना पंडित, छोटू पंडित, उसका माँ भी था। कहाँ पर हुआ है? खेत में हुआ है। कौन जगह? फागो। फागो जिला के टोंगरा थाना क्षेत्र के पोड़ा बथान गांव में बीते रात हुई हत्या का उद्भेदन टोंगरा थाना के प्रभारी दिनेश सिंह व थाना पुलिस ने चुस्ती के साथ मगर 24 घंटे के अंदर आरोपी को अपने कब्जे में कर लिया। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार के देर रात गांव के ही युवक राजेश किस्कू ने चाकू से वार कर महिला फूलमणि मुर्मू की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। साथ ही महिला के पति रविलाल किस्कू को भी जख्मी कर दिया था। वहीं मृतक के एकमात्र पुत्र प्रदीप किस्कू अपनी जान बचाकर घर से भाग गए थे। बाद में ग्रामीण व पुलिस के जमा होने के बाद प्रदीप ने पुलिस को घटना के बारे में बताया। प्रदीप के बयान पर पुलिस ने राजेश को पकड़ कर थाना लाकर पूछताछ कर राजेश की निशानदेही में हत्या में प्रयोग किए गए औजार को अपने कब्जे में ले लिया है। मसलिया से ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। कांड में अभी तक पुलिस को क्या सफलता मिली है? अभी वर्तमान में अभी को गिरफ्तार अभी किया गया है और हत्या में जितने भी प्रयोग किए गए सामानों को
जितने भी सामानों को उसने प्रयोग किया है उसको पकड़ा गया है और अभी अभी थाना ला करके उसको विधिवत जो है रखे हैं और इस केस के अनुसंधानक रोहित कुमार सब इंस्पेक्टर हवलदार सिपाही एवं अन्य अफसर भी इसमें सराहनीय सहयोग इन लोगों का रहा है और कल से ही हम लोग लगे हुए थे हत्या की खबर मिलने के बाद ही और अभी तो रात में भागने का प्रयास कर रहा था तो इसको चारों तरफ से हम लोग घेराबंदी किए हुए थे हर मोड़ हर चौक चौराहे पर हमारा आदमी लगा हुआ था हमारा फोर्स लगा हुआ था और ये भाग नहीं पाए अंत में इसकी गिरफ्तारी हो गई है और इनको थाना लाया गया है। सर इसकी सूचना कब मिली थी सर कल की घटना इसकी सूचना कल रात में मिली थी। बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना लाभुकों के लिए बेहद ही लाभकारी है लेकिन फतेहपुर प्रखंड के बामनडेगा पंचायत के करजोड़ी गांव में यह योजना पंचायत प्रशासन की लापरवाही से फेल है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते दो सालों से दाग संख्या 173 में लगाए गए आम बागवानी में पंचायत प्रशासन की लापरवाही से एक भी पौधे नहीं है। करजोड़ी गाँव में आलादी सोरेन के जमीन पर एक एकड़ में वित्तीय वर्ष 18/19 में योजना संख्या 3/18/19 के तहत बिरसा मुंडा बागवानी मिशन के तहत आम के पौधे लगाए गए थे लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ एक भी पेड़ मौजूद नहीं है जो अपने आप में पंचायत कर्मियों की लापरवाही को दर्शाता है जिसकी जांच आवश्यक है। सूत्र बताते हैं कि पंचायत कर्मियों द्वारा यहाँ पर एक बिचौलिया के माध्यम से आम बागवानी का कार्य कराया गया था जिस वजह से आज यह स्थिति है। फिलहाल जो भी हो यह मामला जांच का विषय बनता है। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। जामताड़ा जिला प्रशासन बिंडा बिरसा मुंडा आम बागवानी मिशन योजना को जहां सफल बनाने में लगे हुए हैं वहीं जामताड़ा जिला का बावंडिया एक ऐसा पंचायत है जहां बिरसा मुंडा आम बागवानी मिशन योजना पर भारी पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है। यह आप करजोरी गाँव में देख सकते हैं जहाँ हम अभी पहुंचे हैं। यह जो बिरसा मुंडा आप देख सकते हैं यहाँ बिरसा मुंडा आम बागवानी मिशन के तहत एक बगान लगाया गया था लेकिन यहाँ एक भी अभी पेड़ नहीं बचे हैं। इसे पंचायत प्रशासन की लापरवाही ही कहा जाए या कुछ और लेकिन यह जांच का विषय बना हुआ है।